झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कमाल कर दिया है। उन्होंने खुद को एक मजबूत आदिवासी नेता दिखाते हुए दो ऐसे फैसले लिए हैं जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। जो बीजेपी सोरेन सरकार को गिराने के लिए झारखंड में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, ऑपरेशन लोटस चला रही थी, अब वही बीजेपी बैकफुट पर आ गई है कि करे तो करे क्या। पहला फैसला यह है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। पहले ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन अब हेमंत सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने का फैसला लिया है। एससी का आरक्षण 10% से 12% कर दिया है और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण भी बढ़ा दिया गया है। झारखंड में 1932 का खतियान लागू किया गया है, यह घोषणा हुई है। यह उनका दूसरा फैसला है, बहुत अहम है। मैं आपको समझाऊंगा कि ओबीसी का यह जो आरक्षण है इसके मायने क्या है और खासकर यह जो खतियान एक्ट है यह क्या होता है। ओबीसी आरक्षण का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है और झारखंड में क्योंकि पहले 14% ही आरक्षण मिल रहा था, अब लंबे समय से मांग हो रही थी, लेकिन अब 27% आरक्षण किया गया है। लेकिन ये खतियान क्या है, खतियान क्या होता है, क्या है खतियान एक्ट 1932, इस बारे में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। तो क्योंकि इससे क्या है कि इस खतियान के लागू होने से झारखंड के आदिवासियों पर एक बड़ा असर होगा और अन्य समुदायों पर इसका क्या असर पड़ेगा उस पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको खतियान का मतलब समझा देता हूं कि खतियान का अर्थ क्या होता है, क्या मायने हैं इसके। तो खतियान एक तरह का खाता होता है, जैसे आप अकाउंट लेते हैं, ये उस तरह का एक खाता है, लेकिन इसमें रुपयों का लेन देन नहीं होता बल्कि जमीन से जुड़ी जानकारी होती है। किसी खेत या प्लॉट की जमीन का पूरा विवरण होता है, जैसे किसान का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, खेत कितने एकड़ का है, कितने उसकी मतलब गज का है, वो उसकी डिटेल होती है, रकबा नंबर क्या है, प्लॉट का नंबर क्या है, ये सब जो है कागजात में लिखा जाता है, इसका वर्णन होता है और उस पर एक डिटेल कहें कि चीजें लिखी होती हैं। तो जैसे अकाउंट में आप पैसे का लेन देन रखते हैं कि कितना आया, कितना गया, कितना विड्रॉ किया, किसी ने डिपॉजिट किया, वो डिटेल होती है, लेकिन इसमें जमीन का लेखा जोखा होता है। तो खाता खतियान उसको कहते हैं, उसे ये खतियान कहते हैं जिसमें कागजात होते हैं। ये रजिस्ट्री जैसा तो नहीं है कि आप इसको रजिस्ट्री कहें, रजिस्ट्री तो मालिकाना हक का एक दस्तावेज है, लेकिन ये उसके डिस्क्रिप्शन का डिटेल होती है और उसके आधार पर ये तय होता है कि खतियान में किसका नाम है, किसकी जमीन है, ये उस पर जो है वो तय किया गया है और ये एक बड़ा काम उन्होंने किया है। अब इसकी वजह क्या है, ये खतियान एक्ट कैसे बना। दरअसल हुआ ये था कि जब अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों ने खतियान शुरू किया था, एक तरीके का वो सर्वे था जिसमें उस जमीन के लोगों का, उसकी जमीन पे खेतों का, जंगल का, प्लॉट का, वो एक डेटा कलेक्ट किया गया था। और देश में 1831 से 1833 के बीच कोल विद्रोह हुआ था, जो आदिवासी लोग थे उन्होंने कोल विद्रोह किया था, जिसके बाद विल्किस रूल आया, कोल्हान की भूमि आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दी गई थी इस रूल के हिसाब से, और इसके तहत ये व्यवस्था हुई कि कोल्हान का प्रशासनिक कार्यभार मुंडा और मानकी देखेंगे। और 1909 में बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एक्ट बनाया, ये अंग्रेजों ने बनाया था, और इसके तहत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के पास जाने के लिए नियम बना दिए कि कौन उसको खरीद सकता है, कौन ले सकता है। फिर 1913 से 1918 के बीच कोलान क्षेत्र का लैंड सर्वे किया गया, लैंड सर्वे है ये बेसिकली, और इसके जरिए मुंडा और मानकी को खेवट में विशेष जगह मिली। इसी सर्वे के जरिए आदिवासियों को जंगल पर हक दिया गया है कि कौन किसका जमीन का मालिकाना है, किसके पास है, उनको वो चीजें दी गई क्योंकि उसकी डिटेल इसमें दी गई है, ये अंग्रेजों ने सर्वे कराया था। और 1932 में ये सर्वे मतलब हुआ अलग अलग टाइम पे है, लेकिन एक 1932 के सर्वे को एक लैंडमार्क के तौर पर देखा जाता है कि उस सर्वे को जो है एक पैमाना माना जाए कि किसका उसमें लिस्ट है, में नाम है, किसकी जमीन है, तो उन लोगों को फिर झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। पूर्वज का नाम 1932 तथा उसके पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है, उसके आधार पर स्थानीयता की परिभाषा रखी गई है और इसके लिए विधेयक का गठन किया गया है। और जो भूमिहीन होंगे या खतियान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अथवा खतियान यदि पठनीय नहीं है तो ऐसे मामलों में ग्राम सभा द्वारा पहचान किया जाएगा। इससे पहले जो बीजेपी की रघुवर दास सरकार थी उन्होंने स्थानीयता की नीति तय करते हुए साल 2016 में 1985 को राज्य की स्थानीयता तय करने के लिए विभाजक वर्ष माना था, उसको एक फैक्टर माना था, जिसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा आंदोलन किया था, बड़ा प्रदर्शन किया था। और उन्होंने कहा था कि 1925 के बाद से जो लोग राज्य में आकर बसे हैं, जिनके नाम पर ये संपत्तियां हैं या वो यहाँ पर रह रहे हैं, वो झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे। लेकिन झारखंड चूंकि जिसका निर्माण जो है वो बिहार से अलग हुआ और इसलिए
क्योंकि वो आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए आदिवासियों के लिए अलग से एक राज्य बनाया गया और फिर वहाँ पर विशेष प्रावधान आदिवासियों के लिए किए गए। लेकिन आदिवासी समाज में जब ये रघुवर दास सरकार ने 1985 को जो है वो एक विभाजन फैक्टर माना कि उसके बाद के लोगों को स्थानीय माना जाएगा, तो वहाँ लंबे समय से मांग चल रही थी कि भाई इससे तो, क्योंकि झारखंड जब बना और फिर वहाँ पर उद्योग आना शुरू हुए, कॉरपोरेट आना शुरू हुए, तो वहाँ पर मुनाफा करने के लिए, काम करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, मिनरल्स के खनन के लिए, जंगलों की कटाई के लिए बहुत सारे लोग, कॉरपोरेट लोग और मजदूर लोग जाके गए हैं, तो वो तो वहाँ पर रहने लगे हैं, बस गए हैं। अब वहाँ पर जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उन लोगों का तो फिर क्या होगा, वो तो अभी आपने जो है उनको एक तरीके से उनकी हकमारी हो गई ना, क्योंकि बाकी लोग आकर वहाँ पर रह रहे हैं, तो बाहरी व्यक्ति उनके हक पे हावी हो गए हैं, तो ये उनका मानना था। और कह रहे थे कि आप आदिवासी समाज के मूल जो निवासी हैं, मूल निवासियों को यहाँ का स्थानीय व्यक्ति मानिए, क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य है और बाकी के लिए आप विशेष प्रावधान रख सकते हैं, उनको आप बाहरी कहें और लेकिन मूल निवासियों के लिए आपको एक स्थानीयता का पैमाना बनाना पड़ेगा। तो 1932 को एक्ट को लेके कि खतियान एक्ट 1932 इसको लागू किया जाए, उसमें जिसका नाम था, जिसके बारे में जानकारी थी, वही यहाँ का स्थानीय निवासी माना जाए, डोमिसाइल जो है उसको मिले, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होता है वो उनको दिया जाए, बाहरी लोगों को ना दिया जाए, उनके लिए कोई और प्रावधान कीजिए। ये मांग झारखंड में लंबे समय से हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे और हेमंत सोरेन सरकार भी बार बार ये बात कह चुकी थी कि वो करेंगे, लेकिन चूंकि राजनीति होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जो हेमंत सोरेन सरकार है, उन्होंने हिम्मत दिखाई और खतियान एक्ट 1932 को लागू कर दिया, इससे साबित हो गया है कि आदिवासी जो हैं वही झारखंड के मूल निवासी हैं। इसके बाद झारखंड में क्या माहौल है वो इन तस्वीरों को आप देखिए। इन तस्वीरों में जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि हेमंत सरकार ने खतियान एक्ट 1932 को अपना लिया है, तो लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने आतिशबाजी की, ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में डांस किया, खुशियां जाहिर की, मिठाई बांटी और लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खासकर जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो बहुत खुश हैं कि उन्हें उनकी पहचान मिल गई है, उनके अपने राज्य, उनके आदिवासी बहुल इलाके में खतियान एक्ट लागू होने के बाद उन्हें स्थानीयता का प्रमाण पत्र मिला जाएगा और उनको राज्य का मूल निवासी माना जाएगा। तस्वीरों में आप उनकी खुशी को देख सकते हैं। अब इस खुशी के अलावा लोग यहाँ पर राजनीतिक कारण भी ढूंढ रहे हैं। चूंकि आपको पता होगा पिछले 25 अगस्त को ही इलेक्शन कमीशन ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की है राज्यपाल को, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने मंत्री रहते हुए अपने और अपने भाई के नाम पर जो खनन के पट्टे हैं वो आवंटित करा लिए, भ्रष्टाचार का मामला बनता है और उनकी सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा गया, जो हेमंत सोरेन है उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि दरअसल बीजेपी वहां ऑपरेशन लोटस चला रही है और उनकी सरकार को गिराना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन के बहाने उनकी सदस्यता को खत्म किया है ताकि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाए, वो मुख्यमंत्री ना रह सकें। और उन्होंने विधानसभा में भाषण देते हुए बीजेपी पर जबरदस्त वार किया था और उन्होंने कहा था कि ये मनुवादी लोग हैं जो एक तरफ आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं और दूसरी तरफ एक आदिवासी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनना चाहते हैं, इन मनुवादियों की साजिश है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ये वही सामंतवादी लोग हैं और वही मनुवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इस देश का न आदिवासी न दलित न पिछड़ा आगे आ पा रहा। आज देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री का सत्ता छीनने की तैयारी कर रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने दरअसल बीजेपी की काट निकाली इस फैसले के जरिए, ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया और खतियान एक्ट को लागू कर दिया, और ये ऐसे जो फैक्टर हैं, ऐसे फैसले हैं जिसका बीजेपी खुले तौर पर विरोध ही नहीं कर सकती। अगर ये वहाँ झारखंड में रहकर विरोध करते हैं तो इनकी राजनीति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लोग इनके साथ छिटक जाएंगे, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है, बहुजन मूल निवासी लोग वहाँ रहते हैं और उनके सामने अगर ये बीजेपी ऐसी करें कि हम ओबीसी का आरक्षण 27 से घटा के 14 कर देंगे और खतियान एक्ट को वापस कर देंगे तो इनको कोई वोट देने वाला नहीं है, तो इनकी राजनीति वहां पर खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति का उम्मीदवार जब घोषित किया तो हेमंत सोरेन सरकार ने विपक्ष होते हुए भी उनका समर्थन किया, क्योंकि वो एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनने वाली थी पहली बार देश में, उनका विरोध में वोट नहीं डाल सकते थे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है, तो उन्होंने उनके लिए वोट किया, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया था कि अगर वो एक आदिवासी उम्मीदवार का विरोध करते तो फिर आदिवासियों के बीच में
उनको नुकसान झेलना पड़ता। कह देते कि देखिए उन्होंने नहीं बनने दिया जानबूझ के आदिवासी महिला को, जबकि आदिवासी की राजनीति करते हैं। तो ऐसा ही अब इन्होंने जो है जबरदस्त अपना दाव चला है। हेमंत सोरेन सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 27% कर दिया, हालांकि उसे कोर्ट में जाने के बाद चैलेंज किया जाएगा, तमाम वो लीगल पछड़े में पड़ेगा, लेकिन उसको 9वीं अनुसूची में डालने की मांग हेमंत सोरेन सरकार मोदी सरकार से करने वाली है, क्योंकि तमिलनाडु में भी वो 9th शेड्यूल में है और वहाँ जो है 69% आरक्षण मिला हुआ है तमिलनाडु में, और जो सुदामा कोटा EWS वो अभी तक वहाँ लागू नहीं हुआ है, और झारखंड में तो सुदामा कोटा वालों की यानी जो सवर्ण है उनकी आबादी 3% से भी कम है, तो उनको 10% आरक्षण मिला है EWS का। तो उस पर उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया है कि अब बीजेपी खुलकर विरोध नहीं कर पाएगी और उनकी सदस्यता पर भी कहीं कि इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर उनकी सदस्यता चल जाती है तो वो दोबारा कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, कोई सीट खाली करवा के वहां से जीत के विधायक बन सकते हैं या किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसा दाव चला है कि बीजेपी बैकफुट पर है, उसका विरोध खुलकर नहीं कर सकती। दबी जमान में वो जरूर JMM के लोगों को तोड़ने या कुछ कुछ करने की कोशिश करेगी, जिसके लिए कुख्यात है। आने वाले दिनों इस पर क्या अपडेट होती है उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन ये हेमंत सोरेन सरकार ने जबरदस्त दाव चला है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है? SC ST OBC के आरक्षण में बढ़ोतरी और खतियान एक्ट पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें। आप अपनी जो भी बातें लिखते हैं हम उसको पढ़ते हैं, लाइक भी करते हैं, और आपकी राय के आधार पर वो वीडियो भी बनाते हैं कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं, तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए The News Week.